खबरों में आगे बढ़ते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी में एक सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, बीजेपी केवल पिछड़ों का वोट लेना जानती है, लेकिन जब सम्मान की बात आती है तो बीजेपी केवल धोखा देती है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार पिछड़ों का आरक्षण छीनने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने अवमानना करते हुए निकाय चुनाव कराने का प्रयास किया है। आगे बीजेपी सरकार दलितों का भी आरक्षण छीनने का काम करेगी। निकाय चुनाव से सरकार भागना चाहती थी। निकाय चुनाव में जो मुद्दे होते, कूड़े के, गंदगी के, डेंगू के, ट्रैफिक के, उसका क्या इंतजाम है? अरे हमने वहां जाकर के मिठाई खा ली। बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमने जाम लगा दिया। अरे शहर में तुमने कोई इंतजाम ही नहीं किया, नालियां भरी पड़ी। बताओ कूड़ा यहाँ फेंक रहे हो तुम बगल में, ये कूड़ा फेंकने की जगह है? तुम्हारी ये जो नदी है इसमें बताओ पूरे नाले मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो नाला साफ करने का कुछ इंतजाम नहीं किया इन्होंने। और केवल एक शहर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लो। कानपुर में मैंने पेड़ देखे, नीम का और पीपल का पेड़ आप पहचान नहीं सकते, इतना गर्दा लगा हुआ था पत्तियों में, आप पेड़ों को नहीं पहचान सकते। चाचा कह रहे हैं अगर शहरों में गर्दा इतना उठेगा, धूल धक्कड़ इतनी उड़ेगी, तो क्या स्मार्ट सिटी होगी।